ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस ने सीटों का शतक पूरा कर लिया है। अलवर की रामगढ़ सीट पर हाथ को आवाम का साथ मिला। कांग्रेस प्रत्याशी साफिया खान ने यहां विजय पताका फहराई। रामगढ़ के इस रण में कांग्रेस के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू चला है और साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे, रघु शर्मा, वैभव गहलोत और धर्मेंद्र राठौर जैसे दिग्गजों की रणनीति ने जीत की मुकम्मल राह प्रशस्त की और बने रामगढ़ की जीत के ग्राउंड हीरो। ये खास रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ के रण में हाथ को जनता का साथ मिला और कांग्रेस के सिर आवाम ने जीत का सेहरा बांधा। विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने कांग्रेस की साफिया खान को जिताकर सरकार के साथ विकास का मार्ग चुना। इस जीत के साथ ही 200 सीट वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस ने अपने विधायकों का शतक भी पूरा किया। रामगढ़ की इस जीत के ग्राउंड हीरो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, कांग्रेस के तेज तर्रार नेता वैभव गहलोत और धर्मेंद्र राठौर रहे। ये सभी लोग निरंतर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के संपर्क में रहे। वहीं अविनाश पांडे भी लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मंत्रणा करते रहे। खुद पांडे भी दो बार चुनाव प्रचार करने गए। दरअसल इस चुनाव में सीएम गहलोत की सेकुलर इमेज का भी जबरदस्त लाभ मिला। चुनाव प्रचार के ठीक एन वक्त पर गहलोत और पायलट ने एकता प्रदर्शित की। हालांकि भाजपा ने भी इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी के कई दिग्गजों ने चुनावी समर में उतरकर अपने तर्कश से बयानों के तीर छोड़े, लेकिन भाजपा के सियासी रणबांकुरों की रणनीति लोकतंत्र के मैदान में धराशायी हो गई और जीत की पताका कांग्रेस ने लहराई। उधर भाजपा से किनारा कर बसपा का दामन थामने वाले जगत सिंह का हाथी मतगणना में हांफ गया। हालांकि चुनाव प्रचार में जगत सिंह ने क्षेत्र की सियासत को गरमाया तो खूब, लेकिन जनवरी की इस कड़ाके की सर्दी में मतदाताओं ने जगत सिंह के वोटों पर ठंड ही जमाए रखी। कांग्रेस ने अपनी सटीक रणनीति और विजन को धरातल पर उतारा, साथ ही आवाम में कांग्रेस के दिग्गज ये संदेश देने में कामयाब रहे कि विकास के लिए सत्ता के साथ चलना ही बेहतर है। बहरहाल रामगढ़ की जीत आने वाले कल यानी गहलोत की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ने की तस्वीर मानी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और आइए आपको सुनाते हैं रामगढ़ की जीत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। आज मुझे बहुत खुशी है कि जनता ने सही फैसला किया। 25 जो हम लोग चाहते हैं कि अगले चुनाव में 25 सीटें जीते हम लोग, ये जनता ने एक संदेश दे दिया रामगढ़ की जनता ने और जिसे हम आगे और बढ़ेंगे। मैं रामगढ़ के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैंने सही फैसला किया, ऐसे वक्त किया है जब एक मैसेज देने की आवश्यकता थी। बाई इलेक्शन एक मैसेज देता है कि सरकार बनने के बाद में चुनाव होता है। मुझे बहुत खुशी है और मैं तमाम कार्यकर्ताओं को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने खूब मेहनत करी, कसर किसी ने नहीं छोड़ी।